मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग का मामला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तावुन एकतरफा नहीं दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इकतदार करेगी। पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों में पीपल्स पार्टी का शेयर का मुतालबा, पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर भी पीपल्स पार्टी को बाख्तियार बनाया जाएगा। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पावर शेयरिंग का ये मामला है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तावुन एक तरफा नहीं होगा, दो तरफा होगा। लियाकत अंसारी से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी लियाकत, बताइए किस तरह से ये फॉर्मूला तय पाएगा। अब देखो, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में दिलखसूस पावर शेयरिंग के हवाले से जो है इस वक्त हतमी मुजाकरात जो है जारी है, और इसमें ये एक बात बुनियादी तौर पर तय की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो भी तावन होगा वो एक तरफा नहीं होगा बल्कि दो तरफा होगा। मुस्लिम नून पंजाब में पीपल्स पार्टी को जो पावर शेयरिंग के जरिए पोलिटिकल स्पेस देगी उसके बदले में सिंध में वही स्पेस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम नून को देगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इकतदार करेगी और फिर पंजाब में पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हुए बगैर शरीक इकतदार होगी। इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की डिमांड सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि जितने हुकूमती महकमे उनमें उनकी कमेटियों में पीपल्स पार्टी को जो है वो शेयर दिया जाए। मार्केट कमेटियों, ज़कात कमेटियों और बैतुल माल कमेटियों में हर अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाए। इस तरह जो हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ टास्क फोर्स होती है उसमें भी पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी देने की डिमांड की जा रही है। पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर भी पीपल्स पार्टी को बाख्तियार बनाने की डिमांड की जा रही है। पोस्टिंग ट्रांसफर के मामला में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम करने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि स्टैंडिंग कमेटियों में भी जो है पंजाब असेंबली में उसमें भी पीपल्स पार्टी को चेयरमैनशिप देने के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है, जबकि डेवलपमेंट फंड्स और तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को शरीक इकतदार किया जाएगा। और जो चीजें तय पाएंगी उसके लिए ये मुश्तरका कमेटी हर 15 दिन बाद इस्लामाबाद और लाहौर में एक मीटिंग किया करेगी जिसमें जायजा लिया जाएगा कि जो शरीक इकतदार होने का जो है वो फार्मूला पावर शेयरिंग का तय पाया है उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है या नहीं। तो इस हवाले से ये भी तय पाया कि हर 15 रोज बाद इस कमेटी का। आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका शुक्रिया।